दोस्तों आप सभी को पता है रूट मोबाइल एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है एंड OTT प्लेयर है। उसके अलावा एक लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन कंपनी है इंडिया की। आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है। कंपनी स्टॉक कुछ ज़्यादा ओल्ड नहीं है। कंपनी स्टॉक जस्ट 1.5 साल पहले अभी आया था, 2020 में कंपनी स्टॉक आया था और वहाँ से कंपनी स्टॉक ने अच्छी खासी रैली आपको दिखाई है। ठीक है, तो आज अगर आप देख सकते हो तो आज आपको दिख रहा है कि 77% की कंपनी स्टॉक ने आज जंप मारी है। ठीक है, वही हम लास्ट 6 मंथ के देखते हैं, 6 या 1 ईयर के देखते हैं कि कंपनी स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी स्टॉक ने 5 डेज़ के अंदर 14.34% के रिटर्न दिए। वही 1 मंथ के अंदर कंपनी स्टॉक ने यहाँ पे 18.22% के रिटर्न दिए। या 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 6 मंथ में यहाँ पे आपको निगेटिव 18.35% के रिटर्न दिख रहे हैं 6 मंथ के अंदर। ईयर टिल डेट की अगर बात करें, ईयर टिल डेट मतलब कि 1 जनवरी से लेकर अब तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, दिख रहा हो आपकी 16.92% के रिटर्न दिए निगेटिव में। 1 ईयर में आप देख सकते हो 26.77% के निगेटिव रिटर्न कंपनी स्टॉक ने दिए। ठीक है, 5 साल की यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 साल उतनी पूरा लिस्टिंग कंपनी की नहीं है, बट स्टिल कंपनी स्टॉक 2020 में आया है कंपनी स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 59.61% कंपनी के स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। स्टिल जब से कंपनी स्टॉक का IPO आया है तब से कंपनी स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए अब तक। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में बेसिक मैंने आपको बताया कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी का जो बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस जो रहेंगी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कंपनी की, और हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कोई स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको कंपनी के Q1 FY23 के रिजल्ट दिखाऊंगा जिसकी वजह से कंपनी स्टॉक इतना परफॉर्म कर रहा है अभी करंटली। ठीक है, आगे चलते दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपके सामने Q1 कंपनी के रिजल्ट लगाए, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये वाले, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स क्या रही है, प्रॉफिट क्या रही है। तो जो कंपनी की सेल्स रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेल्स कंपनी ने जून 2022 के क्वार्टर में 729 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। वही हम लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें मार्च 2022 की, तो यहाँ पे 626 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। तो जो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है, दैट इज 16.44% कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है। उसके अलावा जो कंपनी का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपनी का बड़ा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। एंड अगर हम प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 69.41 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया Q1 बेसिस के ऊपर। ठीक है, वही लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें, लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 45.68 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया। तो Q1 ग्रोथ की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे 51.95% की कंपनी ने ग्रोथ की Q1 बेसिस के ऊपर, जो कि अच्छी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करूँ यहाँ पे, तो 11.62% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की करंट क्वार्टर में। ठीक है, वही लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट इज 9% की थी। तो यहाँ पे आप 2.62% की ग्रोथ देख सकते हो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कंपनी के, जो कि प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे Q1 के जो रिजल्ट है कंपनी के, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे है। ठीक है, वही हम देखते हैं अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी ने स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने आपके सामने लगाया। कंपनी को जो नेट सेल्स है, आपको मैंने बताया कि जून 2022 में कंपनी ने 729 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। वही लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, मतलब कि जून 21 में कंपनी ने 377 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की थी। तो जो ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर, जो ग्रोथ हुई दैट इज 93.11% की यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रही है सेल्स के अंदर कंपनी के, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वही जो इंटरेस्ट अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इंटरेस्ट कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे 4 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट था, जो कि अभी करंटली जून 2022 में कंपनी ने पोस्ट किया। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी का बहुत ज़्यादा कम था, या ऑलमोस्ट 0.5 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट था, जो कि 768% से ग्रोथ हुई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, वही नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो कि 69.41 करोड़ की कंपनी ने जो प्रॉफिट है पोस्ट किया है जून 2022 में। ठीक है, एंड वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अगर हम बात करूँ तो 33.82 करोड़ की कंपनी ने जो ये है प्रॉफिट है पोस्ट किया है। ठीक है, तो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हुई है कंपनी के प्रॉफिट में, दैट इज 105% की यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, मार्जिन में आपको यहाँ पे गिरावट दिख रही है 0.43% की, यहाँ पे आपको गिरावट दिख रही है मार्जिन के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12.05% की मार्जिन थी कंपनी की, जो कि अभी गिर के यहाँ पे 11.62% की रह गई है। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे कंपनी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट अगर हम देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का, बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या सेल्स या प्रॉफिट कंपनी का ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी ने पोस्ट किया है, या पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला।
ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करके दूंगा, आगे देखते हैं हम। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो करंट प्राइस है, डेट इज 1490 रुपीज़ का करंट प्राइस है। कंपनी के स्टॉक ने 6.40% की यहाँ पे ग्रोथ की है, ठीक है। जो कंपनी का जो मार्केट कैप है, डेट इज 9395 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस आपको पता है, स्टॉक का जो पी रेशियो, डेट इज 46.5 टाइम्स का कंपनी का पी रेशियो, जो कि ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 17% का है, जो कि ठीक है। रिटर्न इक्विटी कंपनी को ऑलमोस्ट 14.3% की है, जो कि ठीक है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, जो कि अच्छी बात है। ईपीएस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट इज 32.6 रुपीज़ का कंपनी का ईपीएस है, जो कि प्लस पॉइंट है हमारे लिए। सेल्स ग्रोथ कंपनी की, दैट इज 34.3% की सेल्स ग्रोथ आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 22.3% की है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.01 टाइम्स है, यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। पेग रेशियो अगर बात करूँ तो 2.08% टाइम्स के वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा मतलब कि हाई वैल्यूएशन हो गया, बट स्टिल ओके है, ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं हो गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 26.8 का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो कि ठीक है। कंपनी के यहाँ पे डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट कम है। प्लेज शेयर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 प्लेज शेयर्स है, जो कि प्लस पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 59.8% है, जो कि अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 11% की है, अभी हमने देखा था कि जो कि कंपनी ने पोस्ट किया है, अच्छी चीज़ है। और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 5.66 टाइम्स का है, जो कि हाई है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको फंडामेंटल की अगर बात करूँ तो फंडामेंटल यहाँ से तो फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे कंपनी के, और अच्छे है एक्चुअली, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर। जो भी है कंपनी का भी आगे जो सेगमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि मतलब कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी इस सेगमेंट में जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो भी कंपनीज आती है, डिजिटल में जो भी कंपनीज आती है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर स्लोडाउन चालू है, ठीक है। और रूट मॉल हो, इंडिया मार्ट हो, या FL हो, या कोई भी टाइप ऑफ कंपनी हो, उन सभी के अंदर स्लोडाउन आपने देखा है, इन्फो एज वगैरह, ठीक है। तो ये अभी सिचुएशन जब रिकवर होंगे तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे भी रिकवरी आती दिखेंगी। फाइनेंशियल्स में इनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है जो सेगमेंट में थोड़ा सा स्लोडाउन आता है, जो कि आप IT सेगमेंट में देख रहे हो, तो जैसे वो रिकवर होगी सिचुएशन, आपको इसमें भी एक अच्छी खासी मूवमेंट आते हुए दिखेंगी। दोस्तों मैं आपको टिकर टेप पे लेके आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 5 एनालिस्ट जो है एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें से 5 एनालिस्ट में से 80% लोग बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, मतलब कि 5 में से 4 लोग बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, ठीक है। इसके आगे इनकी जो इनका जो फोरकास्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे, फोरकास्ट के हिसाब से ये क्या बोल रहे हैं, क्या लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो लेवल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इनका करंट प्राइस था, कल का जो प्राइस था, 1400 का प्राइस था, उसके हिसाब से इन्होंने परसेंटेज यहाँ पे दिए, तो आप जो देख सकते हो यहाँ पे करंट प्राइस 1491 रुपीज़ का करंट प्राइस है, ठीक है। तो 1400 के हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे दी गए, तो इनका जो हाई फोरकास्ट है, डैट इज जुलाई 2023 के लिए जो हाई फोरकास्ट है, डैट इज 1667 रुपीज़ का इनका हाई फोरकास्ट है, कि इतने ऊपर कंपनी स्टॉक जा सकता है करके, ठीक है। उसमें से आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि 6.5% की ग्रोथ तो आज ही आ चुकी है कंपनी स्टॉक के अंदर। लो में एक्सपेक्ट कर रहे कि कंपनी स्टॉक में 1.45% की ग्रोथ हो सकती है कंपनी के स्टॉक के अंदर, ठीक है। और मीडियम जो आया है इनका, मीडियम जो आ रहा है, जो कि एवरेज इनका आ रहा है, दैट इज 1535 रुपीज़ तक कंपनी स्टॉक जा सकता है, ये ऐसे बोल रहे हैं, दैट इज 9.56% की ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इनका फोरकास्ट है, इनकी प्राइजिंग है जो ये बोल रहे हैं, तो आप 1667 के टारगेट के लिए तो आप एटलीस्ट बाय कर सकते हो, या ये भी जो मीडियन है इनका, दैट इज 1534 रुपीज़ का जो मीडियन है, उसके हिसाब से भी आप इसका स्टॉक बाय कर सकते हो, या वहाँ पे आप कंपनी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होगा तो इंटेंसिव प्राइस के ऑलरेडी कंपनी स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, इंटेंसिव वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट है। इनका रेवेन्यू और इनका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है वो भी हम देख लेते हैं। जो इनका रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, दैट इज ये बोल रहे कि 53.05% का हमको हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, जो कि इनका लास्ट CAGR ग्रोथ है, दैट इज 33.37% की लास्ट CAGR ग्रोथ है कंपनी की। तो ये एक्सपेक्ट करें कि 53.05% का ये कंपनी जो रेवेन्यू है पोस्ट कर सकती है करके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो इनका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, दैट इज ये प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कि 35.69% की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के हो सकती है करके इस नेक्स्ट क्वार्टर में वगैरह, ठीक है, एनुअल रिजल्ट के अंदर। तो जो इसका एनुअल CAGR जो रिटर्न है इसके, ऑलमोस्ट 34.328% के CAGR से ग्रो की है कंपनी की जो प्रॉफिट है, तो ये एक्सपेक्ट करें कि 35.69% रह सकता है करके। तो इनका प्रॉफिट में भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कंपनी के, ठीक है। तो ये इनका फोरकास्ट हो गया, अपन चार्ट के ऊपर देखेंगे क्या लेवल्स बन सकते हैं करके।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके आया कंपनी के, आप देख सकते हो रूट मोबाइल का जो स्टॉक था दैट इज 1728 का, 8 का कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था 4 मई को, वहाँ से कंपनी स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरते हुए आपको दिख रहा है, और जो लो बनाया था कंपनी के स्टॉक ने 425 मई को दैट इज 1065 रुपीज़ का लो बनाया था। उसके बाद में कंपनी स्टॉक ने फिर से एक रिकवरी दी थी, और जहाँ पे कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था दैट इज 1438 रुपीज़ का हाई बनाया था 8 जून को, वहाँ से कंपनी स्टॉक फिर से गिरा एंड उसी सेम लेवल के आसपास कंपनी स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। और वहाँ से हम देख रहे हैं कंपनी स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको दिख रही है, और कंपनी स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 50% रिकवरी किया है, और कंपनी स्टॉक करेंटली अभी 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ कि जो कंपनी स्टॉक अभी करेंटली जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप सभी EMAs आप देख सकते हो, कंपनी स्टॉक आपको करंटली 1500 के आसपास दिख रहा है, कंपनी स्टॉक ने अभी तक सभी EMAs को बीट कर चुका है, कभी सभी EMAs को ब्रेक कर चुका है कंपनी स्टॉक। आपको बस ओनली दिखेगा कि कंपनी स्टॉक ने ट्राई किया था आज कि 200 का लेवल ब्रेक कर, 200 डेज का EMA कंपनी स्टॉक ब्रेक करे करके, बट कंपनी स्टॉक वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया 1500 के ऊपर, और कंपनी स्टॉक ऑलमोस्ट आज यहाँ पे 1500 के 1 रुपीज़ नीचे यहाँ पर क्लोज किया है कंपनी स्टॉक ने। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए कि हमको अभी 200 डेज का EMA जैसे ही ब्रेक होता है, 1500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो हमारा रहेगा ब्रेकआउट लेवल। तो 200 डेज का EMA और 1500 का लेवल हमारे लिए रहेगा ब्रेकआउट लेवल। तो अभी मैं आपके लिए लिखता हूँ, ब्रेकआउट लेवल रहेगा हमारा 1500 का लेवल रहेगा ब्रेकआउट लेवल, और 200 डेज का EMA रहेगा हमारे लिए ब्रेकआउट लेवल। तो आप में से आपको जिनको 1500 के ऊपर बाय करना है वो 1500 के ऊपर बाय कर सकते हैं, या जिनको 200 डेज के EMA के ऊपर बाय करना है वो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए डायरेक्टली 1500 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, या आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा एक सेफली खेल सकते हो कि 1495 रुपीज़ का या 1990 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा के आप रख सकते हो, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रह सकता है कंपनी के ऊपर। उसके अलावा जो आपका टारगेट रहेगा, तो आपका सबसे पहला टारगेट जो रहेगा यहाँ से एक ही टारगेट को सबसे पहले दिख रहा है, दैट इज़ ये हमारा जो हाई कितना था हमारा ये वाला, दैट इज़ 1728 का हमारा ये हाई था जो कंपनी के स्टॉक ने 4 मई को यहाँ पे टच किया था। तो ये हमारा हाई जो रहेगा ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा सबसे पहले, और आपका 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1500 या 1495 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो आपको स्टॉक से बाहर निकलना है, जैसे ही फिर से 200 डेज का EMA ब्रेक होता है तो आप फिर से एंटर करो, ठीक है, एंड फिर से आप अपना स्टॉप लॉस उसी के आसपास कोई एक अच्छा लेवल पकड़ के आप उसको स्टॉप लॉस रखो और कंटिन्यू करो 1728 के लिए, ठीक है। और जैसे ही 200 डेज के EMA के ऊपर कंपनी स्टॉक सस्टेन करेगा आपको 1728 के लेवल अच्छे से मिल जाएगा, या उसके पहले भी आपका एक टारगेट रह सकता है, दैट इज 1650 रुपीज़ के आसपास का आपका टारगेट रह सकता है उसके पहले, ठीक है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टिकट टाइप पर आपने जो देखा है कि फंडामेंटली कंपनी स्टॉक का जो एनालिस्ट ने जो टारगेट दिया डैटी 1650 के आसपास का टारगेट उन्होंने दिया है, तो 1650 का आप पहला टारगेट रख सकते हो, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हो 1728 के लिए, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा डैटी 1600 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो कंपनी के स्टॉक के ऊपर। करंटली जो लेवल है RSI का डैटी 65.93 का लेवल है कंपनी का RSI का, ठीक है, और जैसे ही कंपनी स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर मूवमेंट करेगा स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में कंपनी स्टॉक आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट डेटा एनालिसिस मेरे तरफ से, जितना मेरे को आता है मैंने आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपके दोस्तों के पास में अगर ये शेयर है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। और किसी ऐसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, आपके किसी ऐसी कंपनी की एनालिसिस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको अगर ऐसी कंटेंट और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।